आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। हमने कैटेगरी वाली फॉर्मूला तो खत्म कर दी थी, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ट्रिकी फॉर्मूले के बारे में। तो हम बात करेंगे फॉर्मूला मेनू बार के नेम के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो नेम मेथड के ऊपर है और ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है, प्लीज ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो डिफाइन नेम मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सिंपल सी बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, फिर इसके ऊपर आगे जाएं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला कुछ डेटा है, डेटा लेता हूं, कुछ डेटा है हमारे पास और मैं चाहता हूं इस डेटा का सम करना। तो बोले इसमें कौन सी एडवांस वाली बात है, हम तो सिलेक्ट करेंगे और सम कर देंगे। आपने क्या लिया है? रेफरेंस लिया है A1 से D32। इसको आप ड्रैग करेंगे तो रेफरेंस इंक्रीज डिक्रीज भी होता है और अगर किसी सीट से लेंगे, किसी भी सीट से, जैसे मैंने यहां से लेता हूं, तो फिर रेफरेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब कि सीट नेम भी देना पड़ता है। अगर इसका मान लीजिए कि इसको बार बार फ्रिक्वेंसली यूज करना है तो बार बार आपको यहाँ भी जाके सिलेक्ट करना हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे रिपोर्ट जब बनते हैं एक फाइल में 15-20 रिपोर्ट अगर बन रहे हैं तो 15-20 रिपोर्ट में क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है उस डेटा के ऊपर जब हम सम करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बार बार उस डेटा रेंज पे जाना पड़ता है और सम करना पड़ता है। उसका सलूशन क्या निकालते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिफाइन नेम दे देते हैं। इसमें नाम दे दिया डेटा, मैंने इसका नाम क्या दे दिया डेटा एंड ओके। अब मुझे कहीं भी सम करना है तो इसको हम बस डेटा लिखेंगे एंटर मार दें किसी भी सीट में। तो एक सहूलियत क्या हो कि आप इसको शॉर्ट नेम कर सकते, तो इसका जो है बहुत ही छोटा पार्ट ये बताया कि हमने बताया आपको। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूले। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर हम सेल्स दिए और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देते, आपको याद होगा हमने आपको इफ का फॉर्मूला बताया था जिसमें हमने बताया था नेस्टेड इफ, बताया था कि 0 से 40 के बीच में हो तो 500 का इंसेंटिव देना होगा, 1 से 80 के बीच में होगा 1,000, 81 to 100 के बीच में होगा तो 2,000 एंड ग्रेटर देन 100 होगा 5,000। तो इसके लिए आपने क्या किया था? नेस्टेड इफ का इस्तेमाल यूज किया था। इफ हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर ए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500 एंड इफ अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो 1,000 एंड अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2,000 अदरवाइज 5,000। फॉर्मूला या इससे भी बड़ा हो सकता है क्योंकि तो मैंने छोटा सा कंसेप्ट दिया, लेकिन कई सारे में केसेस में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटा सा दिया इसलिए, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला हो। चलिए भुवन जी, आपने हमसे ट्रेनिंग ली है तो आपको इसके बारे में आइडिया है, लेकिन आपके कई सारे मैनेजर्स हैं या फिर आपके जूनियर्स हैं जिससे आप काम करवाते हैं वो एक्सेल में उतना फैमिलर नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम होगी कि आप उनको अगर देते हैं कि भाई इस फॉर्मूला लगा दें तो इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे। उस केस में क्या करेंगे, हम डिफाइन नेम में जाएंगे और यहाँ हम देते हैं INC इंसेंटिव और यहाँ हम इसको फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने पर ध्यान रखिएगा कि आप डॉलर साइन का यूज ना करें। अब नेक्स्ट टाइम मुझे लगाना होगा जस्ट इक्वल INC और एंटर प्रेस कर दीजिए, ये नीचे तरफ आ जाए। अगर
मैं किसी और सीट पे जाके करूं, INC यहां पे एक छोटा सा दिक्कत हो गया कि किसी और सीट पे नहीं लग रहा है क्योंकि ये सीट टू ले रहा है। फॉर्मूले का सीट टू हटाना पड़ेगा। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को सिंपलाइज करने के लिए। और आपने देखा होगा पिक्चर में तो पिक्चर लुकअप में भी आपने हमने इसका यूज किया हुआ। अब एक इस्तेमाल और हम आपको बताते हैं, वो इस्तेमाल है पिवट टेबल का। इस्तेमाल क्या है इसका? पिवट टेबल का है। तो छोटा सा डेटा हम ले लेते हैं यहाँ पे। अभी क्या है कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा होगा जो हर दिन आपको आता होगा और उसको आप कॉपी पेस्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट करने के बाद फिर उस पर पिवट लगाते हैं, या पिवट पहले से लगा होता है, कॉपी पेस्ट करते हैं और डेटा रेंज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है भुवन जी, रेंज को इंक्रीज करते हैं। अब मुझे इस पे इसी तरह का फॉर्मूला चाहिए, सर्विस चाहिए जिससे हमारा बेनिफिट हो। अब इसमें क्या है कि अगर मैंने सेलेक्ट किया पिवट इंसर्ट कर लिया, छोटी सी प्रॉब्लम इसमें होती है कि हमने मान लीजिए डेटा बना लिए, अपडेट कर दिए, हो गया, लेकिन मान लीजिए कल के डेट में मेरे पास कुछ और डेटा आया, उस डेटा को हमने इसके नीचे पेस्ट कर दिया, अब फॉर्मूला में ऑटो अपडेट नहीं होगा। इसके लिए हमने एक्सेल में पिवट टेबल और बहुत सारे तरीके बताए थे, लेकिन वो सारे तरीके में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो दोबारा अपडेट करें या उस प्रॉब्लम को फेस करें, उससे अच्छा है कि आप नेमिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते। ऐसे तो इस एरिया को नाम दे देंगे तो बात भी वही होगी। हम नाम देंगे लेकिन नाम देंगे विद फॉर्मूला। हमारे पास एक ऑफसेट का फॉर्मूला होता है जो कि रेंज बनाता है। ऑफसेट जैसे ऑफसेट का मतलब समझिए क्या होता है, रेफरेंस दे दिया हमने, कॉमा, रो नंबर, पहले रोज से दो कॉलम। अगर हमने यहां तक लेके एंट्री मार दिया तो ये इंडेक्स की तरह काम करता है कि यहां से चलता है, यहां से 01012 और इस नंबर को इसने शो कर दिया। तो इस क्या होता है, इसका नंबर शो नहीं करता है, क्या करता है इसका एड्रेस शो करता है, मतलब कि इक्वल C2। अब यहीं पे अगर मान लीजिए मैं इसकी हाइट को 2 और विड्थ को 2 कर देता हूं तो क्या होगा, देखिए इसने पूरा डेटा उठा लिया। अगर मैं इसको सम में डालूंगा तो आप देख पाएंगे करता क्या है। फॉर्मूला एवलेट कीजिए, पता चलेगा। फॉर्मूला एवलेट किया तो मुझे पता चला कि C2 से C3 मतलब इसने क्या किया, A1 से 1 करोड़ नीचे आया 01, उसके बाद 2 कॉलम आगे गया 012 और वहां से उसने 2 रो C2 एंड C3 एंड 2 कॉलम सी एंड डी कॉलम लेके एक एड्रेस बना दिया। तो इसका यूज हम थोड़ा सा कर सकते हैं, कैसे देखिए हम क्या करेंगे, A1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0 रो एंड 0 कॉलम दे देते हैं तो क्या होगा कि A1 ही रहेगा। हाइट में हम बोल देते हैं कि काउंट ए, हमने बोला कि इसका पूरा का पूरा जितना डेटा टाइप है, काउंट ए क्या करेगा कि इस कॉलम में जितना डेटा टाइप है उतना काउंट दे देगा। और यहाँ विड्थ में भी हमने यहाँ पे काउंट ए लगा लिया और बोला कि पूरा का पूरा हमारा कॉलम है, तो जितने हेडिंग्स है उतने काउंट कहाँ आ जाएंगे, विड्थ में, और जितने डेटा है उतने काउंट आ जाएंगे हाइट में। अगर आप इसको एवलेट करेंगे, फॉर्मूला एवलेट करेंगे तो काउंट ए ने दिया 317 और काउंट ए दूसरा काउंट ने दिया 11, तो ऑप्शन क्या मिला, A1 से जाओ 00 कॉलम, मतलब सेम A1 पे ही,
वहां से इसकी हाइट 317 और विड्थ 11 ले लो। इसने क्या किया, इसने पूरा डेटा ले लिया A1 से 317 के 317 जो कि हमें पिवट को देना होता है, लेकिन डायरेक्ट पिवट इस ऑफसेट फॉर्मूला को पिक नहीं करेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इनको फ्रीज करता हूं और फ्रीज करने के बाद इन इनकी फॉर्मूले को लेता हूं और चला जाता हूं डिफाइन नेम में। डिफाइन नेम में हम इसका नाम डीटी रख देते हैं और इक्वल हम इसको पेस्ट करते हैं एंड इनमें हाँ एंड ओके। अब मैं कहीं पिवट लगाऊंगा तो पिवट लगाते समय इंसर्ट और सिर्फ इसमें इक्वल डीटी कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए, आपका पिवट लग जाएगा। बल्कि रेट में डेटा अगर इंक्रीज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नेम रख दिया और मान लीजिए जैन का टोटल, सॉरी जैन का टोटल यहाँ दे दिया, तो अभी देखिए टोटल 15,282 है। अब मैं डेटा को रिपीट कर देता हूँ, मैं पूरा डेटा को यहाँ कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। देखिएगा कि रिफ्रेश करते ही ये ऑटोमेटिकली 3,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो इसने ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया, किसकी मदद से, नेमिंग मेथड के मदद से। तो नेमिंग मेथड में हम फॉर्मूला डाल के उसको हम फिक्स कर सकते हैं, उसको कहीं और यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। अगर इसको और ज्यादा समझना है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सीट पे ही राइट क्लिक कीजिए और कीजिए इंसर्ट। इंसर्ट में यहाँ स्प्रेडशीट दिखेगा और स्प्रेडशीट में आप यहाँ पे लोड नोटिफिकेशन को क्लिक करके ओके कीजिए। आप ये प्रोटेक्ट दिख रहा है, इसको यहां से अनप्रोटेक्ट कर दीजिए, रिव्यू में अनप्रोटेक्ट, पर पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। अब देखिए हर किसी के से नाम दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है लोन, नेम बॉक्स में देखिए लोन अमाउंट, इसमें इंटरेस्ट रेट, इस सबका एक दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसमें कुछ भरता हूँ, 50,000 का लोन है, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 7% है, पीरियड मान लीजिए 3 साल है, साल में 12 होते हैं और लोन स्टार्ट 8 से। जैसे एंटर मारेंगे पूरी कैलकुलेशन होगी, दिखा देगा कि कितने का ईएमआई किस किस दिन देना है, कितना ईएमआई पड़ेगा वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपको दिखा दिया। और यहाँ पे आपके सामने डेटा आ गया। अब इसमें एक चीज देखिए कि इसने फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो इसमें कहीं पे A1, B1, C1 का रेफरेंस लिया हुआ है। भुवन जी नहीं, नेम मैनेजर यूज किया हुआ, इसने नेम मैनेजर यूज किया हुआ, पूरी कैलकुलेशन को इसने नेम मैनेजर के थ्रू किया। तो यहाँ डिफाइन, यहाँ पे नेम फॉर्मूला में नेम मैनेजर पे जाए, देखिए इसने हर किसी के नेम डिफाइन किया। इसको फॉर्मूला लगाने में आसानी होती है क्योंकि बार बार एरिया को देखना नहीं पड़ता कि हाँ इसका A1 है या B1 है C1 है, तो आप इसका नेम मैनेजर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अगर करना है और इनपुट आपके लिमिटेड है, जैसे कि इनपुट इसका लिमिटेड है ना, इसे सबका नाम दे दिया और इसने अपनी कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। ओके आगे समझ में।